हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स की थिकनेस जो है काफी अच्छी नजर आ रही है और अच्छी लेंथ में यहाँ पर फिंगर्स। एक मोल नजर आ रहा है यहाँ पर इनके मर्करी फिंगर के ऊपर, जो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें लाता है कम्युनिकेट करने में। अदरवाइज इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई अच्छी है, इवन इनकी बाकी की फिंगर्स भी यहाँ पर काफी थिक नजर आ रही है। फिंगर्स का थिकनेस में होना इंडिकेट करता है अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को। और अगर इनकी शनि फिंगर को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। और अगर चेक किया जाए इनकी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर को तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर थोड़ी सी लंबाई में ज्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है वो काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, क्रिएटिविटी का लेवल काफी अच्छा और थोड़े से एडवेंचरस होते हैं, रिस्क लेने की टेंडेंसी इनके भीतर ज्यादा होती है नॉर्मल लोगों से जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई ज्यादा हो। और अगर इनकी गुरु फिंगर को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं बृहस्पति फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को। ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव भी होते हैं और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं, जिनकी बृहस्पति फिंगर की लंबाई अच्छी हो और स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। और साथ ही साथ नॉलेज काफी अच्छी रहती है इन लोगों की, जिनकी बृहस्पति फिंगर और बृहस्पति माउंट स्ट्रांग हो, नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहती है। और अगर देखा जाए इनकी मर्करी फिंगर को तो अच्छी लेंथ में है मर्करी फिंगर, यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती हुई और यहाँ पर एक मोल जो तिल का चिन्ह है बनता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर और थोड़ी सी इंट्रोवर्ट नेचर रह सकती है, लेकिन ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर्स के ऊपर रेखाओं को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं कुछ आड़ी रेखाएं मुझे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ी अग्रेसिव नेचर के होते हैं और अपनी इसी नेचर की वजह से अपने खास मित्रों, खास फ्रेंड्स या खास रिलेटिव्स के साथ भी कई बार मन मुटाव कर बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। जैसे बृहस्पति माउंट है, शनि माउंट और सूर्य माउंट, इन सभी को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन यह माउंट भी उभरा हुआ है जो यहाँ पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बेशक थोड़ी सी शाई और इंट्रोवर्ट नेचर रहेगी, लेकिन इनका बिजनेस एक्यूमेन यहाँ पर बेटर हो जाता है जब इस माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं आ जाए। आपको दिखाना चाहूंगा इस तरह की खड़ी रेखाएं अगर इस माउंट के ऊपर मौजूद हो तो यह व्यक्ति को काफी अच्छी हीलिंग पावर्स देती हैं, हीलिंग कैपेसिटी होती है ऐसे व्यक्ति के भीतर, दूसरों की प्रॉब्लम समझने की, दूसरों के दुखों को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आ जाती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यहाँ पर 6 से 7 खड़ी रेखाएं हों, मेडिकल फील्ड में जाकर भी काम कर सकते हैं या किसी ना किसी तरह से सोशल वर्क के काम करने की कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई जो यहाँ पर इनके मर्करी की तरफ चल रही हैं। बेशक यह बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से इन्हें बिजनेस करने की कैपेबिलिटी जरूर मिलेगी। यहीं पर अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाए, कुछ इस तरह की यह रेखा और यहां तक पहुंच जाए और ऐसा एक मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। यहां पर कमी किस चीज की, अगर यह जो रेखा है यह कंप्लीटली
ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से मनी ट्रायंगल थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर काफी हद तक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है जो इनको धन दिलवाने में सक्षम रहेगी, लेकिन इनके खर्चे भी थोड़े अधिक रह सकते हैं। आगे चेक करते हैं इनके सूर्य माउंट को। अब देख सकते हैं जो इनका सूर्य माउंट है यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ भी इसको हम नहीं कहेंगे। और सूर्य रेखा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सूर्य रेखा है कुछ इस साइज की, जो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर ही नजर आ रही है। लंबी सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो कुछ इस तरह से, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा बनती हो तो यह बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, और ऐसे व्यक्ति का जो फेम होता है छोटी एज से ही व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर जो सूर्य रेखा है थोड़ी शॉर्ट है, और खासतौर पर यह सूर्य रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर बन पा रही है। इस तरह की सूर्य रेखा होने से ऐसे व्यक्ति को जो फेम है, जो रिकॉग्निशन है, वो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाके ही मिल पाता है, यानी ओल्ड एज में जाकर ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा सोशल सर्कल अपना बना पाता है। आगे आप देख सकते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट भी यहाँ पर सूर्य माउंट की भांति थोड़ा फ्लैट नजर आ रहा है, हल्का सा दबता हुआ अंदर की तरफ, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ा संघर्ष रहता है व्यक्ति के, हार्ड वर्किंग टाइप की लाइफ होती है। और अगर शनि रेखा मौजूद हो, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की शनि रेखा जो ओवरलैप हो रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन कंप्लीटली शनि माउंट तक नहीं पहुंच पा रही। इस तरह की ओवरलैपिंग शनि रेखा में आ रही है जो यहां पर इंडिकेट करती है कि लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स का भी इनको सामना करना पड़ेगा। लगभग 30s की एज में चलकर थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कतें भी आ सकती हैं, यहाँ पर स्ट्रगल बढ़ सकती है, लेकिन 36 की एज के बाद यहाँ पर इनकी जो भाग्य रेखा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, जो इन्हें काफी अच्छे फाइनेंसिस दे सकती है। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को। गुरु माउंट का जो एरिया है यहाँ पर काफी उभरा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी ज्ञानवान होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं और स्पिरिचुअल होते हैं। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को लाइफ में हर तरह की खुशियां देने में कैपेबल होता है। और अगर साथ ही साथ बृहस्पति जो फिंगर है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, काफी अच्छी लेंथ में हो और स्ट्रांग हो, तो ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल तो होंगे लेकिन थोड़ी सी ईगो और अग्रेशन भी व्यक्ति के भीतर अधिक होने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनके जो लोअर माउंट्स हैं, जैसे चंद्रमा और मून माउंट है और वीनस माउंट, इनको भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन को। हार्ट लाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल आगे बढ़ती हुई यहाँ पर बृहस्पति माउंट तक पहुंच पा रही है, और एक ब्रांच यहां से एक विष्णु चिन्ह इनकी हार्ट की लाइन के ऊपर बनता हुआ, जो बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर हार्ट की लाइन के अंत में ऐसा वी सिंबल बने और हार्ट की लाइन बृहस्पति माउंट तक पहुंच रही हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं और काफी मेहनती भी होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जिनके भी हाथ पर यह वी सिंबल बनता है, उनको हमेशा मैं यही सुजेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, या कभी भी अगर कोई अनफेयर मीन या शॉर्टकट यूज करते हैं तो लाइफ में नुकसान हो सकते हैं। अदरवाइज इस चिन्ह की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस व्यक्ति को देखने को मिलती है। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन यहां पर काफी अच्छे कर्व में है, और कुछ यहां पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इनकी हार्ट लाइन में भी नजर आ रही है। इस तरह से जो लगभग 50s की एज में थोड़ी सी दिक्कत इन्हें दे सकती है, क्योंकि हार्ट की लाइन में किसी भी तरह की ब्रेक, ओवरलैपिंग या आइलैंड हो तो व्यक्ति को थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने की संभावना रहती है। ओवरऑल कोई मेजर इश्यू नहीं है यहां पर। चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। माइंड की लाइन अगर देखा जाए तो यहां पर भी कुछ ओवरलैपिंग 30s की एज में जो थोड़ा सा मानसिक तनाव देती हुई, जो यहां पर इनको 25 से लेकर 30 के आसपास की एज तक थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती है। लेकिन अगर हम आगे देखें तो इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफी अच्छी है, एक स्ट्रेट माइंड की लाइन जो शार्प माइंड को इंडिकेट करती है, मेमोरी काफी अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की। लेकिन कभी भी कोई भी कट आ जाता है या कोई इस तरह की ओवरलैपिंग या कोई आइलैंड बन जाए तो उस एज में थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना रहती है।
आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप यहां पर देख सकते हैं लाइफ की लाइन की जो लंबाई है यहां पर लगभग 80 के आसपास की एज को शो कर रही है और काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस मैं यहां पर देख पा रहा हूं। कुछ इस तरह की अपवर्ड जाने वाले ऑफशूट्स इनकी लाइफ लाइन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन यह मिडिल एज के आसपास एक्टिवेट होते नजर आ रहे हैं। लगभग 36 के आसपास की एज के बाद यह काफी अच्छी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में देख पाएंगे। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहां पर अंदर की तरफ चलने वाली रेखा मौजूद है जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। मंगल रेखा का यहां पर होना व्यक्ति को काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना देता है, लेकिन साथ ही साथ अग्रेशन और अग्रेसिव नेचर भी व्यक्ति की हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर मंगल रेखा मौजूद हो काफी अच्छी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में बना सकता है। और ओवरऑल इनकी लाइफ लाइन के ऊपर कोई मेजर इशू नहीं है। एक लंबी लाइफ की लाइन यहाँ पर इंडिकेट करती है कि एक हेल्दी और लंबी एज 80 के आसपास की एज इनकी रहने वाली है। चंद्र माउंट को अगर देखा जाए तो चंद्र माउंट के ऊपर आपको काफी सारी छोटी छोटी रेखाएं नजर आ रही होंगी, इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी भी व्यक्ति को होती है। यह रेखाएं ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा होती हैं उतनी ज्यादा एंग्जाइटी रहने की संभावना रहती है और व्यक्ति को लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स काफी करना पड़ता है जब इस तरह की रेखाएं मौजूद हों। और इसके साथ साथ यह जो रेखाएं हैं ऊपर की तरफ चलती हुई यह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति लाइफ में विदेश यात्राएं करते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों। जितनी लंबी यह रेखाएं हों उतने ज्यादा प्रभावशाली उनके रिजल्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ यहां पर देखा जाए इनके शुक्र माउंट को, शुक्र माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आ रही हैं जो फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं। थोड़ी सी फैमिली लाइफ जो है वरीड रह सकती है ऐसे व्यक्ति की, अदरवाइज इनका जो शुक्र माउंट है काफी उभरा हुआ है। इसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जरूर मिलती हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।